हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राजन मंसल है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा प्रोस्टेट की होम रेमेडीज़ के बारे में। डिड यू नो प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो थ्रू आउट द लाइफ बढ़ता ही रहता है। प्रोस्टेट जब बढ़ता है, जब इसका साइज़ बाहर की तरफ बढ़ता है, तो ये प्रोस्टेट कोई तकलीफ़ नहीं देता है। साइज़ में काफ़ी बड़ा भी हो जाता है तब भी कोई तकलीफ़ नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं असिम्प्टोमेटिक प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। लेकिन जब इसका साइज़ अंदर की तरफ बढ़ता है, तो ये यूरिन पाइप पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण से यूरिन की तकलीफ़ें चालू होती हैं, यूरिन का फ्लो सही से नहीं आता है। अब इस केस में मरीज को कई तरह की तकलीफ़ें आती हैं, जैसे यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं आना, यूरिन के लिए बार बार जाना, यूरिन के लिए रात में बार बार उठना, जिससे पेशेंट की मरीज की नींद ख़राब हो जाती है, यूरिन एकदम अर्जेंट लगता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आज बात करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमेशा बढ़ता रहता है, तो ध्यान रखिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि प्रोस्टेट को घर पर बैठे बैठे साइज़ में बढ़ने से रोका जा सके। जैसे दाढ़ी मूछ का बढ़ना, चेहरे पे रिंकल्स आना, बाल का सफ़ेद होना, आप महंगे से महंगे इलाज या दवाई से या महंगे से महंगे क्रीम पाउडर के हेल्प से भी इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता, उसी तरीके से प्रोस्टेट का साइज़ भी आप बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। 40 से 45 की उम्र में प्रोस्टेट पे ध्यान तभी जाता है जब यूरिन की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब भी आपको यूरिन की तकलीफ चालू होती है, आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलें। याद रखिए, होम रेमेडीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ होम रेमेडीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरी पहली एडवाइस है, आप यूरिन को काफ़ी देर तक रोक के नहीं रखें। जैसे ही आपको यूरिन का अर्ज हो, आप तुरंत ही बाथरूम में जाके यूरिन पास करें। ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है, तो ये यूरिन के पाइप पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण से यूरिन का फ्लो और भी कम हो जाता है। वर्स्ट केस में ये यूरिन कम्प्लीटली रुक भी सकता है, जिसको यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, जो कि यूरोलॉजी की एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा एक और गोल्डन एडवाइस है, आप डबल वॉइडिंग को प्रैक्टिस करें। डबल वॉइडिंग क्या होता है? जब भी आप यूरिन करने के लिए गए, तो एक बार यूरिन करने जाते हैं, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता है, तो सेम टाइम पे आप एक दो मिनट या तीन मिनट रुक के फिर से यूरिन करने जाएं, जिससे कि ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए। इससे आपको फ्रिक्वेंसी यूरिन का बार बार जाना और अर्जेंसी यूरिन का एकदम से तेज लगने में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा मेरा एडवाइस है, आप रात के समय पर सोने से 2 घंटे पहले पानी का इनटेक काफ़ी कम कर दें या ऑलमोस्ट निल कर दें। इससे क्या आपको रात में बार बार उठने की जो समस्या है, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में भी जब एक उम्र बढ़ती है 50 साल 60 साल के बाद, तो बॉडी रात में यूरिन बनाना ज़्यादा चालू कर देती है, जिसके कारण से रात में बार बार उठना पड़ता है। तो इसमें बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप रात के समय पर, रात में जब भी आप सोने जा रहे हैं, उससे 2 या 3 घंटे पहले अपना इनटेक एकदम निल कर दें, जिसके कारण से आपको रात में कम से कम उठना पड़ेगा और बार बार उठने के कारण आपका नींद ख़राब नहीं होगा। मेरी तीसरी एडवाइस है, जब भी कफ एंड कोल्ड हो, तो आप कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन को अवॉइड करें। कफ एंड कोल्ड की जो मेडिसिन, जो मोस्टली इफिड्रीन, फिनाइलेफ्रिन, अत्यधिक कुछ मेडिसिन होती हैं, ये क्या करती हैं, ये नाक की मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जिसके कारण आपको कोल्ड एंड कफ में रिलीफ होता है, मेनली कोल्ड में रिलीफ होता है। ये मेडिसिन आपके प्रोस्टेट के रास्ते को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जिसके कारण से यूरिन का फ्लो काफ़ी कम हो जाता है या कई बार यूरिन रुक जाता है इन मेडिसिन को लेने के कारण, जिसके कारण एक पेशाब रुकने से, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है यूरोलॉजी में, पेशाब रुक जाता है, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके पेशाब का नली भी लगाना पड़ता है। तो बात आती है, डॉक्टर साहब कफ एंड कोल्ड हैं तो क्या करें? तो यहाँ पर आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप विक्स लगा सकते हैं, आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, आप हनी का यूज़ कर सकते हैं, घर पे माताएं काढ़ा बना देती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन सब से आपको कोल्ड एंड कफ में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तीसरी मेरी एडवाइस है, ठंड में जाने से बचें। ठंड में क्या होता है, ठंड में जाने से जो स्किन की वेसल्स हैं, उसमें ब्लड फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, और अपने बॉडी के जो ऑर्गन हैं, उसमें ब्लड फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है किडनी का भी ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। जब किडनी में ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो फिर यूरिन की तकलीफ फिर से बढ़ती है और यूरिन बार बार जाना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस है, जिसको भी यूरिन की तकलीफ़ है, वो ठंड के समय पे बाहर जाना अवॉइड करें। लास्ट में कुछ जनरल चीज़ें जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स,
इनका सेवन कम करें, इसके कारण से यूरिन का तकलीफ काफ़ी बढ़ता है। एल्कोहल का इंटेक काफ़ी कम करें, स्मोकिंग भी यूरिन की तकलीफ बढ़ाती है कई बार। तीसरा, आप कीगल्स एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको यूरिन की तकलीफ है, जिसका यूरिन का कंट्रोल कम है, यूरिन के लिए एकदम से पाना पड़ता है, तो वो कीगल्स एक्सरसाइज करके अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जिससे अपनी अर्जेंसी को काफ़ी कम कर सकता है। कीगल्स के बारे में मैंने एक डिटेल में आर्टिकल लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। एक्सरसाइज को कैसे करना है आप उस आर्टिकल को पढ़ के समझ सकते हैं। तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा, होम रेमिडीज़ जो हैं वो प्रोस्टेट का मेडिकल मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब भी आपको प्रोस्टेट की तकलीफ होगी, आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, उससे सलाह लेनी है। प्रोस्टेट का जो इलाज है 80% मेडिसिन से काफ़ी अच्छा हो जाता है। मेडिसिन से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिसिन आज की डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी सेफ़ है, वो टाइम एंड टेस्टेड है, काफ़ी लोगों में यूज़ किया गया है, उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखा गया है, इसलिए ही वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बच्चे 20% लोग जिनको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है, उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रोस्टेट सर्जरी। सर्जरी से के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। नमस्ते।